चलिए टाइप टू में हम आगे देखते हैं। तो टाइप टू में हम बता चुके थे कि क्षमताएं अगर बराबर होती हैं तो जिसको निकालना उसे ढक लेंगे। जैसे हम 2a बराबर, अगर हम 3b बराबर, अगर 4c बराबर, अगर 5d बराबर, अगर आपका 6 चाहे 5d ही रखते हैं और डायरेक्ट अगर abcd का अनुपात निकालना है तो हम तो पहले पहला मेथड आपको बता चुके थे कि k मान कर क्लियर करते हैं। लेकिन अगर k नहीं माने हम डायरेक्ट कैसे कैसे करेंगे, तो जिसको निकालना उसे ढक लेंगे और जो दिखेगा उसे गुणा करेंगे। तो अगर इसको हम ढक लेते हैं तो आपको जो ए बी सी का कोफिशियंट दिख रहा है उसको गुणा करेंगे, तो 4 × 5 = 20 और 20 × 60 यानी यहाँ 60 होगा। अगर इसको ढकते हैं तो 4 × 8 8 × 5 = 40 होगा, अगर इसको ढकेंगे तो 3 × 6 और 6 × 5 = 30 होगा, और इसको ढकेंगे चरतिया 12 × 12 = 24 के बराबर होगा। और इसको अगर निकालते हैं तो सबको कट करना है, अगर आप दो बार में कट रहा है तो आपका 30 × 60 करेंगे, 20 × 40 करेंगे और 15 × 30 करेंगे और 12 × 24 करेंगे, यानी ए बी सी का अनुपात जो आपका होगा वो 30, 20, 15, 12 के बराबर होगा। बात आगे करते हैं। अगला अगर इसी को हम लेना चाहते हैं 2a बराबर 3b बराबर अगर 4c है और यहाँ 5d है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। अगर a b c d का मान निकालना होगा, अगर चारों का मान निकालना है a b c d का, तो हम सबसे पहले बोले थे कि एलसीएम वाला टर्म ले लिया जाए, जो जिसका कोफिशियंट होगा वो सबको एलसीएम लेंगे। तो 3 का 2 का 4 का और आपका 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 3, 2, 4, 5 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। अगर 60 लेंगे तो हम डायरेक्ट अगर एलसीएम इसका 60 लेते हैं तो ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान कितना गुना करे दो में कि 60 आ जाए, तो 30 × 60 होगा। 3 में क्या गुना करे 60 हो जाएगा, तो 20 × 60 होगा और यहाँ 4 × 15 = 60 होगा, यहाँ करेंगे तो 12 × 5 = 60 होगा, यानी ए बी सी का अनुपात जो आपका होगा वो 30, 20, 15, 12 के बराबर होगा। ये एक लाइन में बना रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ढकना है और जिसको दिख रहा है उसे गुना करना है। यहाँ क्या करना है कि जो इसका कोफिशियंट होगा उसको हम सबको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका मान क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला इसी टाइप टू में एक और अगला जो है कॉम्बिनेशन, इसका अगला एक और कंसेप्ट क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो आइए इसी टाइप टू में अगला कंसेप्ट क्या है, तो अगर हम करें a बटा 2 है, b बटा 3 है और c बटा 4 है। अगर a b c का मान मुझे निकालना है तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यानी मुझे चाहिए क्या, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या, बाट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको a b c का अनुपात निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको k मान लेते हैं, माना कि k यानी से कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, इसका मतलब सब आपस में बराबर होगा, तो a बटा 2 बराबर अगर k होगा तो a बराबर जो होगा 2k हो जाएगा, और अगर यहाँ पे b बराबर b बटा 3k बराबर अगर k करते हैं तो b बराबर 3k होगा, और अगर हम c बटा 4k करते हैं तो c बराबर जो होगा 4k के बराबर होगा। और मुझे a का, b का और c का मान निकालना है तो 2k बराबर 3k बराबर 4k होगा, और अगर हम सबको करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यानी आपका आंसर 2, 3, 4 के बराबर होगा। लेकिन ये इतना मेरे पास वक्त नहीं होगा, इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो आपको k मान करके जो हमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लेना रहता है तो हम ऐसे बनाते हैं। सीधा सोचना है कि जब क्षमताएं आपस में अगर बराबर होती हैं तो जिसको अगर फ्रैक्शन में हो और इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान 4 होगा। यानी आप इस बात से सीख रहे हैं कि अगर आपको क्षमताएं आपस में बराबर है तो जिसको निकालना है वो अगर इसके बगल का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसका अनुपात जो होगा वो नीचे वाले के बराबर होगा। तो अगर नीचे वाले के बराबर होगा, यानी इस बात से आप सीखे, क्या सीखे कि अगर आपको इस तरीका का हो कि a बटा 3 हो, b बटा अगर 5 हो और c बटा अगर 6 हो, और मुझे a b c का अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या निकालना है, बाट। अगर a b c का अनुपात निकालना है तो आप डायरेक्ट इसका a b c का अनुपात करेंगे तो 3:5:6 के बराबर होगा, यानी आपका a b c का अनुपात 3:5:6 के बराबर होगा, यानी यहां होगा। यानी इसका अगर कोई कोफिशियंट नहीं दिखता है तो अगर इक्वल में है तो उसका आंसर कहां वाला होगा, तो नीचे वाला होगा, यानी 3:5:6 के बराबर होगा। बात करते हैं आगे, अगला क्या है। अगर आप
अगर आप क्वेश्चन कह दे कोई कि सर इसके बगल में अगर कोई कोएफिशिएंट है, अभी तो आप बताएं कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में हो और इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं हो तो उसका अनुपात कहाँ वाला, नीचे वाला। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा आ जाए 2a बटा 3 बराबर 4b बटा 5 बराबर c बटा 3, तो मुझे abc का अनुपात निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? बात आती है कि अगर ये दो ना रहता तो हम आसान से लिख सकते, क्योंकि अभी मेथड बताए कि जब भी क्षमताएं बराबर हो, अगर इसके बगल में कोई कोएफिशिएंट नहीं हो और फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाले को हटाना चाहेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 8। और जो एलसीएम आएगा यानी ऊपर वाले को हटाने के लिए, ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे और नीचे वाले को हटाने के लिए नीचे वाले को एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले को 4 और 2 का हटाने के लिए मुझे 4 और 2 तो 8 एलसीएम होगा, तो यहां भी 8 एलसीएम, यहां भी आपका 8, यानी जो एलसीएम आएगा उसको नीचे में गुना कर देंगे और इसको कट कर देंगे तो 4 दुना 8 होगा और यहां पे आपका 2 होगा, यहां ऐसा होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि आपका जो आंसर हो गया वो ए बटा 12 हो गया और यहां बी बटा यहां पे 10 हो गया और यहां सी बटा 8 किया 24 हो गया। यानी आपका आंसर ए बटा 12, बी बटा 10 और सी बटा 24 के बराबर। और हम जानते हैं कि अगर क्षमताएं बराबर हो जाती हैं तो इसको निकालने के लिए 12 10 24 के बराबर होगा, यानी 6 दुना 12 5 दुना 10 और यहाँ पे आपका 12 दुना 24 होगा। यानी एबीसी का अनुपात जो होगा वो 6 5 12 का होगा। एक बात है, और अगर ऊपर वाले को हटाना है तो ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद नीचे को गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद जो कटेगा उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। यानी मेरी बात को समझ रहे हैं आप कि अगर क्षमताएं बराबर हो, अगर फ्रैक्शन में होता है और अगर ऊपर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो नीचे वाला ही अनुपात होगा। अगर कोई कोएफिशिएंट नजर आता है तो उसको एलसीएम लेकर नीचे गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला आपका इसी तरह का अगर क्वेश्चन हो कि अगर 3a बराबर 3a बटा आपका 5 हो बराबर अगर आपका 4c बराबर आपका यहाँ पे 4b बराबर आपका यहाँ पे 6 हो और यहाँ आपका 2c बराबर 2c बटा आपका अगर यहाँ पे 3 हो, तो मुझे abc का मान निकालना है, abc का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेगा? तो abc के अनुपात निकालने के लिए मैं मेथड बताया था कि जब क्षमताएं बराबर होती हैं तो देखना है फ्रैक्शन में तो है लेकिन इसके बगल में कोई कोएफिशिएंट नजर आ रहा है। अगर कोई कोएफिशिएंट नजर आ जाए, अगर ये सब हट जाए तो ऊपर वाले को एलसीएम लेकर नीचे में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 4 2 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, यहाँ भी 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना। फिर से ये 12 कहां से आया? तो जो एबीसी का कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम अगर हम 3 का 4 का 2 का एलसीएम निकालते हैं तो आपका आंसर 12 आता है। और जो एलसीएम आएगा उस सबको गुना कर देंगे और इसको कट करेंगे तो चल दिया 12, यहाँ करेंगे तो 3 4 12, यहाँ 6 गुना 12, यानी आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4 5 20, यहाँ आ गया 76 18। तो आपका जो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। तो यहाँ आपका आंसर आ गया ए का मान आ गया 20 और बी का मान आ गया 76 18 और सी का मान आ गया 76 18, यानी आपका यहाँ भी 18 के बराबर। तो अगर कट करने की बात है तो 10 दुना 20 और 9 दुना 18, 9 दुना 18, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात जो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप सीख रहे हैं कि अगर ऐसा भी रहे तो आप आसान तरीका से बना सकते हैं। ये सब सारा काम आएगा कि कब आएगा, जब वर्ड प्रॉब्लम हम बनाते रहेंगे तो क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि ए का 2/4, ए का बोलेगा ए का आधा, बी का 2/3 यानी 2/3 और सी का बोलेगा 1/4 यानी 1/4। तो पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देता है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बोलिए तो इसका दो फालतू है, कहता है ए का आधा, बी का 2/3 और सी का 1/4 आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम में लिखेगा पूरा, तो आपको आसान तरीका है। तो अभी हम बताएं आपको कि ए का आधा, बी का 2/3 और सी का 1/4 भाग आपस में बराबर है, तो एबीसी का अनुपात डायरेक्ट पूछता है। और जब एबीसी का अनुपात पूछता है तो यहाँ ए का मान निकालेंगे तो कैसे, तो यहाँ तो कोएफिशिएंट नजर आ रहा है तो 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ भी गुना, 2 यहाँ भी गुना, 2 यहाँ भी गुना, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। यानी ए का मान 4, बी का मान 3 और सी का मान 4 2 8, यानी ए बी सी का अनुपात जो होगा वो 4 3 8 के बराबर होगा। यानी आप इतना सीख रहे थे। तो चलिए हम आगे लेके चलते हैं। टाइप 2 में एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट ऐसे रहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अगर 3/2 हो, 4 बटा अगर यहाँ पे आपका 3 हो
और आपका 5 बटा आपका यहाँ 4 हो, और एबीसी का अनुपात निकालना। एक बात हम बताए थे, फिर से आपको चर्चा करना है कि अनुपात जो अगर पूछते तो अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में अगर नहीं होता है तो हमको हर हाल में इसको हटाना होगा। हटाने के लिए 3 4 4 का एलसीएम, 3 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो सबका एलसीएम 12 होगा, और यहाँ 12 12 12 सब में गुना करेंगे, और सब कोई जानते हैं कि अगर सेम डिजिट से गुना किया जाएगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो 6 गुना 12 यहाँ 34 12 और यहाँ 3 होगा, आपका आंसर 36 18 होगा, 4 4 16 होगा और 35 15 होगा, यानी आपका आंसर 18 16 15 के बराबर होगा। ये आपका कॉम्बिनेशन है। पर से एक बार एक क्वेश्चन बता दें कि अगर क्षमताएं आपस में बराबर होती हैं तो जिसको निकालना उसे ढक लेंगे और जो दिखेगा उसे गुना करेंगे, दूसरा अगर कोई फ्रैक्शन में रहता है तो वहां नीचे वाले जो होता है वही आपका अनुपात होता है, और कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन कि अगला अगर करते हैं ए ए चाहे यहां पर ऐसा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2.5 1.5 और यहाँ पे आपका 3.5 और इसका अनुपात पूछा, क्या अनुपात आप निकाल सकते हैं? अभी हम बोले हैं कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। तो करना क्या है, अगर पॉइंट के बाद सबके पास सेम डिजिट है तो ये पॉइंट 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 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 25, यहाँ आ जाएगा 35 15, यहाँ आ जाएगा 7 25 35। अगर आप नहीं करते तो नीचे 10 भी ला सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद सब जगह सेम डिजिट हो तो आप डायरेक्ट पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और जो आएगा वो कटिंग पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपका है कि अगर ये कि a प्लस बी का अगर कह दे कि a प्लस बी का 50% और यहां कह दे कि a माइनस बी का, अगर यहां कह देता है a माइनस बी का 30%, तो मुझे पूछता है कि बताइए a b का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात b का मान क्या होगा, वो मुझे क्या करना है, निकालना है। तो ए बी का अनुपात कैसे निकलेगा, बहुत लोग क्या करते हैं परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। आप जब भी कोई इक्वल रहे तो आप इसको इससे काट सकते हैं और ये इसको इससे काट सकते हैं। फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इसको लिख सकते हैं 5a + 5b बराबर लिख सकते हैं 3a - 3b, और पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे। 5a इधर है और 3a इधर से आएगा तो यहाँ बचेगा 2a, और यहाँ उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका कॉम्बिनेशन यहाँ अगर a और यहाँ b करते हैं, नहीं तो फिर अगर यहाँ पे 80% हम करते हैं तो यहाँ पे आपका 8 होगा, यहाँ पे आपका क्योंकि अंतर कर रहे हैं तो दोनों बराबर होना चाहिए, 8 ही करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर इसको आता है तो 5a - 8 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका -8b है और यहाँ -5b चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3a और बराबर यहाँ बचेगा आपका -13b, और ये से कैंसिल होगा, और सबको पता है कि क्षमताएं बराबर होती हैं तो अनुपात क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी आपका आंसर जो होगा 13:3 के बराबर होगा। तो ये आपका था टाइप 2, और बेसिक रूप से जितना आपका क्वेश्चन था वो चलेंगे। अगले आपको जो अगले वीडियो होगा वो टाइप 3 होगा, जो आपका का नियम चलेंगे और से का नियम चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे इसमें आपके क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे हम आज, नहीं, धन्यवाद।